हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चा पार्टी स्टार्ट करें अपनी क्लास, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं पहला कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज वेंट्यूरीमीटर। देखो बेटा, ये ज्यादातर जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड्स के साथ कर रहे हैं। कॉम्प्रेसिबल लिक्विड की कहीं पे भी कोई कहानी हमारे सामने नहीं आती। तो ये कहता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम है इनकॉम्प्रेसिबल जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनका रेट ऑफ फ्लो चेक करना, उनकी स्पीड चेक करना, ठीक है ना। उनकी स्पीड को चेक करने का काम करता है कौन? वेंट्यूरीमीटर। और इसका जो प्रिंसिपल है वो बर्नौलीज थ्योरम पे बेस है। यानी कि मैं इसको अगर सीधी सीधी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम आपको क्या कहती थी? आपको याद हो तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहती थी कि सम ऑफ थ्री एनर्जीज पर यूनिट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनो। सम ऑफ थ्री एनर्जीज, थ्री एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज पर यूनिट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। देखो बच्चा पार्टी, हमने फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास भी निकाला था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाला था। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या कहा कि सम ऑफ थ्री एनर्जीज पर यूनिट मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और हमने क्या कहा कि ये ऐसी डिवाइस है वेंट्यूरीमीटर जिसका काम क्या है? जिसका काम है स्पीड ऑफ इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड को, या स्पीड मेजर करता है। यहाँ पे जो लिक्विड हमने यूज किया उसकी स्पीड को मेजर करने का काम करता है। कैसे मेजर करेगा और क्यों मेजर करेगा, ये सारी बातें अब हम पढ़ते हैं। देखो देखो बच्चों, हमारे पास है कॉन्सेप्ट। किस तरह से हमने यहाँ पे एक लिक्विड की एंट्री कराई है, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो के बराबर, ठीक है। लेट अस कंसिडर रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, एक बात मैं आपको स्पेशल बतानी भूल गया कि यहाँ जो डेंसिटी आप यूज करेंगे, जो लिक्विड की आप एंट्री करा रहे हैं, जिसकी स्पीड आपको मेजर करनी है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इस पाइप से ऊपर जा रही है जिसकी स्पीड बन जाती है V2, और यहाँ पे स्पीड है कितनी, V1 स्पीड से उसने एंटर करा है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो नीचे जो लिक्विड है ना उसकी डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी का लिक्विड है हमारे पास यहाँ पे। ये जो इसकी डेंसिटी जो है वो लो है, लो डेंसिटी लिक्विड है। तो ये दोनों के दोनों जो लिक्विड है वो मिक्सअप नहीं होंगे बच्चा, ठीक है ना। या आप इसको मोनोमीटर की तरह भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें स्पेशल बात क्या रहेगी कि जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो उस प्रेशर डिफरेंस को खत्म करने के लिए ये लिक्विड किस हाइट तक चला जाएगा? एच हाइट अबो चला गया। ये देखो, ट्यूब वन और ट्यूब टू में लेवल डिफरेंस है। वो लेवल डिफरेंस किसके कारण क्रिएट होता है? यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये जो लेवल है वो राइज कर जाता है। देखो बच्चा, आप फिर से बता रहा हूं कि इन दोनों की जो डेंसिटी है ना वो अलग अलग है बेटा। तो अलग अलग, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी अलग है, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी अलग है। तो ये दोनों मिक्सअप नहीं हुए। लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उस प्रेशर डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए ये लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा एच हाइट पर, ठीक है ना। ये एच हाइट, क्योंकि अब इस एच हाइट का हम यूज कर लेंगे आगे जाके। अब देखो बेटा, स्टार्टिंग करते हैं कि हम मान लेते हैं A1, यहाँ पे स्मॉल A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे स्मॉल A1, और A2 यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे
जहां पे बी ट्यूब कनेक्ट है ए टू, यहां पे हम मान लेते हैं क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी तरह से वी वन और वी टू हमने वेलोसिटी यहां पे मान ही रखी है, ठीक है। प्रेशर यहां पे मान लो, यहां पे पी वन मान लो और यहां पे प्रेशर मान लो पी टू के बराबर। तो आप देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की अगर मान के चलें तो वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लीविंग पर सेकेंड दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात मानूं तो वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड दैट रिमेंस कांस्टेंट v, यानी कि दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी v1, दिस शुड बी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी v2, यानी कि a1 v1 शुड बी इक्वल टू a2 v2। अगर यहां से फिर दिस इज इक्वल टू, ये जो v मैंने कंसीडर किया है इसको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लिविंग पर सेकेंड, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम के डायमेंशन है इस वी के। तो अगर यहीं से मैं सीधी सीधी सी बातें देखूं तो ए वन अपॉन ए टू किसके इक्वल बनेगा बेटा, ये बनेगा वी टू अपॉन वी वन के इक्वल बनेगा। या यहां से आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए वन वी वन आपका वी के बराबर है, इसी तरह से ए टू वी टू भी आपका वी के बराबर है। तो यहां से V1 की वैल्यू आपके पास आएगी कैपिटल V अपॉन क्या A1, ठीक है। इसी तरह से V2 की वैल्यू आएगी कैपिटल V डिवाइड बाय क्या A2 के बराबर। अब बर्नौलीज थ्योरम आप यूज कर लो हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए। बर्नौलीज थ्योरम अगर हम केवल हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए यूज करें तो हमारे पास हाइट वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बर्नौलीज थ्योरम की कंप्लीट स्टेटमेंट बता देता हूं मैं आपको। बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि द सम ऑफ थ्री एनर्जीज, एक तो है आपके पास प्रेशर एनर्जी पी वन प्लस हाफ रो इनटू वी वन स्क्वायर प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि रो जी एच, ठीक है ना, रो जी एच दैट शुड बी इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एच वन लिख दो भाई एच वन और प्लस रो जी एच टू। ये भाई उसकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट जो हमें फॉलो करनी होती है जिसकी स्टेटमेंट, ठीक है, ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है बेटा, जिसमें ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो आप कहते हो केवल हॉरिजॉन्टल फ्लो ले रहे हैं सर, हम हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे। हाइट का अगर कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ रहे तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, हमारे पास बचेगा केवल और केवल कितना, हमारे पास केवल बचेगा पी वन प्लस हाफ रो वी वन का पावर टू दैट इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो इंटू वी टू का पावर टू, ठीक है जी। तो यहां से प्रेशर डिफरेंस निकाल लीजिए P1 माइनस P2, प्रेशर डिफरेंस आपके पास सीधी सीधी सी बात है, प्रेशर डिफरेंस हाफ रो दोनों में कॉमन है, V2 का स्क्वायर बनेगा और माइनस क्या बन जाएगा V2 का पावर 2 माइनस V1 का पावर 2, ये आपके पास आ गया जी प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2। P1 प्रेशर यहाँ पे और P2 प्रेशर यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहा है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस मैंने निकाल लिया। अब प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसको मिनिमाइज कौन कर रहा है, बेचारा ये लो डेंसिटी वाला लिक्विड। यही तो कह रहा है कि मैं ना तुम लोग आपस में ना लड़ाइयां मत लड़ो, मैं अपने लिक्विड के लेवल को थोड़ा हाइट पे लेके चला जाता हूं। यानी कि इस प्रेशर डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए बेचारा क्या कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और इस लेवल को ऊपर तक लेके जा रहा है, ठीक है। यही होता है ना, जैसा कि आपने कैपिलरी में देखा था, कैपिलरी ट्यूब में देखा था, एसेंट फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वहां पे भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि वहां डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए लिक्विड को कुर्बानी देनी पड़ी थी। उसने कुर्बानी कैसे दी थी, उसने अपना लेवल ज्यादा से ज्यादा राइज कर दिया था।
तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि यहाँ ये जो लिक्विड है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, किससे, इससे, इस ट्यूब में, यूज शेप्ड ट्यूब में जो लिक्विड है उससे ज्यादा है। जब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुए तो यहाँ पे इन लिक्विड का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे लेवल राइज हो गया, यहाँ पे लेवल ठीक है ना। तो अब देखो बच्चा, इसको इक्वेशन हम मान लेते हो। अब इस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए लो डेंसिटी वाला लिक्विड क्या करता है, अपने लेवल को राइज कर लेता है ट्यूब सेकंड में। ये फर्स्ट ट्यूब है, ये आपके पास ये सेकंड ट्यूब है सॉरी, और ये फर्स्ट ट्यूब है। तो फर्स्ट ट्यूब में लेवल क्या हो जाता है बेटा, राइज हो जाता है, ठीक है ना, लेवल राइज हो जाता है। तो अब हम बात करें अगर इस ट्यूब के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, P1 माइनस P2 शुड बी इक्वल टू हाइट h है, डेंसिटी इसकी मान लो आप रो m के बराबर, ठीक है, और इनटू g से, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में थोड़े बहुत आप सुधार कर सकते हो तो कर लो भाई, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया इसको सॉल्व, कि हाफ रो v1 का पावर 2, ठीक है, v1 स्क्वायर बाहर ले लिया तो v2 का स्क्वायर बाय v1 का स्क्वायर माइनस 1, और ये आपके पास इक्वेशन होगी। देख लो बच्चों, v1 के अंदर एंट्री करवा के देख लो, वही की वही इक्वेशन वापस बन जाएगी। अब v2 बाय v1 अगर मैं इन दोनों को देखूं, रेड वाली इक्वेशंस को देखूं, तो v2 बाय v1 मेरे पास किसके इक्वल आता है, v2 बाय v1 तो a1 अपॉन a2 के बराबर है। तो रख दूं वैल्यू, तो ये वैल्यू अगर मैं रख दूं तो फिर मेरे पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा इसके इक्वल। देखो बच्चों, ये हाफ रो v1 का पावर 2 v2 अपॉन v1 किसके बराबर है, a1 अपॉन a2, तो a1 स्क्वायर डिवाइड बाय a2 का पावर 2 और माइनस 1, है ना। और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, इसको रब कर दो क्योंकि इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं है, इक्वेशन नंबर। आप देखो बच्चा, आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को इक्वेट करो, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वेलोसिटी v1 की चाहिए, v2 की वैल्यू चाहिए, जो जो वैल्यू आपको चाहिए वो इन दोनों को इक्वेट करके आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, क्या पता वैल्यूज हमारे सामने आ ही जाए, है ना, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 को और 2 को इक्वेट करो, तो आपने क्या कहा कि हमें करना है इक्वेट 1 एंड 2 को। तो बच्चा पार्टी, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर इक्वेट करूं तो मेरे पास इक्वेशन 2 में बैठा है h, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो आपने यू शेप्ड ट्यूब में यूज किया है, इनटू g, दैट इज इक्वल टू हाफ रो, ये डेंसिटी है इस ऊपर वाली ट्यूब में जो लिक्विड है उसकी, जो लिक्विड का फ्लो आपने करवाया उसकी, हाफ रो वी वन उसकी इनिशियल स्पीड है यहाँ ट्यूब ए के लिए, ठीक है, वी वन का पावर 2 और a1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी a2 का स्क्वायर माइनस 1, है ना, बस ठीक है। आपके पास कहानी बहुत ही आसान है। अब आपको v1 चाहिए या v2 चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते जाइए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आप सोचते होंगे कि सर वैल्यू निकाल के बता दो, बिल्कुल बता देते हैं। तो यहां से v1 का स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, तो 2h ρ m g, ठीक है भाई, ये 2 है ना इधर चला गया, ठीक है, नीचे था, ठीक है, और 2h ρ m into g और a1 का पावर 2 a2 का पावर 2 माइनस 1, और इसकी पावर भी कितनी हमने कर दी, इसकी पावर भी हमने कर दी -1, इधर जाएगा, उधर पावर है 1, इधर चला जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1। अच्छा जी, कुछ और रहता है, कुछ और, हाँ जी, रो रहता है, तो रो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ डिवीजन में चला गया। अब बाकी कौन बचा है, केवल और केवल बाकी बचा है v1 का पावर 2, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको v1 चाहिए, तो v1 चाहिए तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, अंडर रूट ले लोगे आप, 2h ρ m into g डिवाइड बाय रो, और हमारे पास ये वैल्यू है a1 का पावर 2 डिवाइड बाय a2 का पावर 2 और -1, और पावर बन जाएगी इसकी -1 बाय 2,
-1/2, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लिक्विड इन, ठीक है, ये जो आपकी वाइडर ट्यूब है उसमें जो स्पीड आएगी लिक्विड की, वो स्पीड हमने यहाँ पे मेजर कर दी, ठीक है ना बच्चा, वो स्पीड हमने यहाँ पे मेजर कर दी। और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड भी निकाल सकते हो आप, V इज इक्वल टू A1V1 के इक्वल आएगा। इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप V2 भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से V2 भी निकाल सकते हो। तो V2 कितना रहेगा बताओ, यहां से देख लो, V2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, V1 इंटू A1 अपॉन A2। यहां से आप V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चा लोग, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी था, हमारे पास दो ट्यूब थी, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना था बस, उस प्रेशर डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए लो डेंसिटी वाले लिक्विड का लेवल राइज हो गया, ठीक है, और उस राइजिंग वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प लेके हमने वेलोसिटी निकाल दी वाइडर ट्यूब में, और एक नैरो ट्यूब थी उस नैरो ट्यूब में, ठीक है ना, बस इतना सा काम हमने किया है, ठीक है। तो बता दीजिए बच्चा लोग, कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को डाउट आया, हाँ जी बच्चा, हमारे पास है टॉर्सलीज थ्योरम, पहले हमने किया था टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट, जिसमें टॉर्सली जी महाराज ने हमें क्या बताया था बताओ बच्चों, टॉर्सली का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी थी, किसी भी बच्चे को पता है तो वो अनम्यूट करके बता सकता है, टॉर्सलीज एक्सपेरिमेंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, किसी भी बच्चे को अगर पता है उस इंफॉर्मेशन का तो प्लीज शेयर कर लो। कोई नहीं करेगा शेयर, हाँ जी ईशान, टॉर्सली का जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या इंफॉर्मेशन मिली थी हमें, सर वो था कि जो वैक्यूम है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करके होता है, जो वो वैक्यूम क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, हाँ जी, दैट्स वेरी गुड। ये देखो भाई, ये हमने अपनी टंकी रखी है छत के ऊपर, ठीक है बच्चों, ये देखो भाई हमने अपनी टंकी रख रखी है छत पे, है ना। अब ईशान गया छत पे, ईशान का स्वभाव है थोड़ा शरारती, इसने जाते ही टंकी दी फोन, ठीक है, ये देखो जी इसको पूरा पानी से भर रखा है हमने, ये देखिए जी, ये हमने इसको पूरा यहां तक पूरा फिल किया है जी। अब देखो बच्चों, हमने यहां पे एक ड्रिल कर दिया ऐसे, यहां पे एक ड्रिल कर दिया यहां पे, ठीक है ना, जैसे ही हमने ड्रिल किया यहां से लिक्विड बाहर आएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द लिक्विड, लेकिन ग्रेविटी इफेक्ट के कारण वो लिक्विड आपका कैसे जाएगा, वो लिक्विड ऐसे जाएगा, और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे, यानी कि ये जो सरफेस है आपकी छत है, उस छत पे पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, ठीक है ना बच्चा। तो अब हमें क्या कहना है कि भाई इसने जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस कंसीडर दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू एस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसको हम मान लेते हैं एस के इक्वल, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें किसके साथ एक्वायर, इसको किसके साथ रिलेट करना है, इसको रिलेट करना है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ, मेरी बात आप समझ रहे हैं, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है आपको, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के साथ देखो कैसे आप रिलेट करके चलोगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं भाई, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, ठीक है, मान लीजिए कि एक बात कि यहां से लेकर यहां तक इसका हाइट है h, और बॉटम से लेकर यहां तक इसकी हाइट है कितनी, h डैश, क्योंकि जो काम करना है वो h हाइट ने करना है, h डैश ने तो काम ही नहीं करना, वो जो हमें उससे चाहिए, ठीक है ना। ये देखो बच्चा लोग कि हम कुछ इस तरह से ये हाइट ड्रॉ कर देते हैं,
ये हमारे पास जो है वो एच के बराबर है, यहां जहां से ड्रिल हुआ है ना वहां से हाइट, सरफेस की हाइट किसके बराबर है, एच के बराबर है। और ये जो हाइट है ये बॉटम से लेकर ये एच डैश के बराबर है। ठीक है जी, दिख रही है सब बच्चों को? ठीक है, अब देखो बच्चों आगे अपना काम करते हैं स्टार्ट। ये टॉसलीज थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि वेलोसिटी विद विच, यहां मैं स्टेटमेंट लिखनी स्टार्ट करता हूं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा ये कि वेलोसिटी विद विच लिक्विड कम्स आउट ऑफ ए नैरो होल ठीक है, दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए freely falling body ये है आपका कॉन्सेप्ट टॉसलीज थ्योरम। अब देखो बेटा हम क्या कहते हैं कि हमने यहां पे दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक जस्ट आउटसाइड हमने ले लिया ओ और एक जस्ट इनसाइड हमने ले लिया ए, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए जो जस्ट इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड द टैंक हम क्या मान के चलते हैं, जीरो, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल यहां से निकलते हैं ना वैसे ही वो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, यहाँ ए पे उनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है ना, ए पे उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम एक ऐसे पॉइंट पे जो जस्ट आउटसाइड है, एक जस्ट इनसाइड वाले पे, ठीक है ना भाई। तो आप अप्लाई करें बर्नौलीज थ्योरम और देखें रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, ठीक है। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट ए एंड ओ, ओ तो ये पॉइंट है बेटा, ए ये पॉइंट है, ए जस्ट इनसाइड, ओ जस्ट आउटसाइड, ठीक है। तो अप्लाई करो बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, at A and O, apply कर दीजिए भाई बर्नौली की थ्योरम A पॉइंट पे भी O पॉइंट पे भी। देखो बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है, sum of three energies per unit mass remains constant ना, तो आपके पास यहाँ पे पहली प्रेशर एनर्जी P per unit mass plus आपके पास हाइट के कारण क्या होगी, A पे हाइट के कारण बनेगी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम कहते हैं ए पे काइनेटिक एनर्जी नहीं थी उसकी, ठीक है, तो यानी कि ये बात हमने करी किसके लिए, ए के लिए एट ए। अब वो जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकलते ही उसके पास केवल और केवल कौन सी एनर्जी आई, काइनेटिक, पोटेंशियल नहीं थी उसके पास, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने ली जीरो और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हमने ली हाफ रो इनटू वी स्क्वायर। हां जी मेरे पास मैसेज आया, मैं देखता हूं एट ए और यहां पे एट ओ पॉइंट पे जाके, हां जी मैं देख लेता हूं बच्चे। हां जी सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, हां हां बिल्कुल बिल्कुल, टॉसलीज एक्सपेरिमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डील करता था, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करता था बच्चे, ठीक है। तो अगर अब हम यहां से इक्वेट करें इन दोनों को, तो P प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो इनटू V स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर P से P कैंसिल, तो और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रो दोनों साइड है, ठीक है। तो 2GH किसके इक्वल आ गया, V स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो V इज इक्वल टू क्या आया बच्चा, V is equal to under root 2GH आया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई,
वेलोसिटी आगे, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रू किया जाता है, मान लो कि ये हाइट आपके पास आ गई, कुछ भी हाइट है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल हाइट से थ्रू किया जाता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है आपको याद है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? आपका a इसके बराबर है, g के बराबर है, s जो है वो हाइट के बराबर है, मान लीजिए हाइट के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी आप हमेशा जीरो लेते हैं और फाइनल को v को v ले लें, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन रही है? 2gh। वी आर टॉकिंग अबाउट ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो v इज इक्वल टू कितना बनता है? 2gh। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, आपने ड्रिल किया टंकी में, टंकी में जो ड्रिल किया और पानी ऐसे गिरा, तो उसने जितना मान लो वेलोसिटी एक्वायर किया, फाइनल जो वेलोसिटी था उसका, वो किसके बराबर है? ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बराबर है। ये बात जो मैंने करी है वो करिए फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मैंने ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रही है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। v square minus u square is equal to 2s और a is equal to g मैंने माना है, क्योंकि मैं downward direction में आ रहा हूँ, s is equal to h height के बराबर माना है, initial velocity मैंने zero ली है, final velocity v ली है, तो मेरे पास v का जो value है वो 2gh के बराबर आता है, जो किसके बराबर? ये उसकी लिक्विड की वेलोसिटी के बराबर है जो इस नैरो होल से कहां पे गया है, कुछ उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कुछ उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, एक चीज आपने देखी कि हमने h डैश हाइट भी यहाँ पे ली है, लेकिन अब तक h डैश पे बेस होके कोई बात नहीं करी, ये इतनी बात सभी को क्लियर है? ये इतनी बात टॉसलीज थ्योरम क्या कहते हैं हमें, टॉसलीज थ्योरम कहते हैं कि वेलोसिटी विद व्हिच लिक्विड कम्स आउट ऑफ ए नैरो होल इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फ्रीली फॉलिंग होल, ठीक है। तो आप बताओ बच्चा लोग, कितने बच्चों को ये बात, ये राम कहानी समझ में आई है और कितने बच्चों को नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी, मैसेज आ गए मेरे पास, मैं देख लेता हूं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। अब देखो, अब कुछ एक हमने स्पेशल बातें लिखी हैं, कुछ वो स्पेशल बातें भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हमारा लिक्विड इस नैरो होल से बाहर निकलता है, तो हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी और उसकी जो वर्टिकल हाइट है, उसकी वर्टिकल हाइट है यहाँ पे h डैश, इनिशियल वेलोसिटी हम उसकी मान लेते हैं जीरो, तो h डैश की वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत सिंपल होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है s, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, s is equal to क्या होना चाहिए, s is equal to ut plus half at square होना चाहिए ना, half at square, यही इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, u आपने जीरो का, s डिस्टेंस मेरे को निकालना है जो किसके बराबर है, ये वर्टिकल डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन नहीं होता, मैं आपको एक बात बता दूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगभग आप एक्सेलरेशन को जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता ना, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा पाथ, पैराबोलिक पाथ ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल की, तो एस की जगह पे ले लो आप हाइट एच डैश, यू को आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लो, और हाफ ए आपका जी के इक्वल होगा जी इंटू टी स्क्वायर, यानी कि एच डैश की वैल्यू है आपके पास हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से t की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वो नीचे आया, तो टाइम t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 2h डैश बाय g के बराबर आ गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल रेंज दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बच्चा लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, भाई डिस्टेंस होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, तो s की वैल्यू यहां पे क्या रहेगी, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है ना। अब वेलोसिटी आपने कितनी निकाली है, वेलोसिटी आपने निकाली है बच्चा लोग 2gh, ये निकाल रखी है यहां पे इक्वेशन 1 से, और टाइम की भी वैल्यू आपने निकाल रखी है,
रूट टू एच डैश बाय जी, दोनों अंडर रूट में है तो अंदर लेके जाओ, ठीक है, बाहर मत बैठाए रखो इनको। एस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर चली जाएंगी सारी की सारी चीजें, टू जी एच मल्टीप्लाइड बाई टू एच डैश बाई जी, जी से जी कैंसिल हो गया, टू टू जा फोर टू बाहर आ गया, टू इंटू रूट एच इंटू एच डैश एच एच डैश, ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, रेंज के इक्वल आ गया। कौन सी रेंज है ये, हॉरिजॉन्टल रेंज है जी, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हमारे जो लिक्विड है हमारे पास उसने ट्रेवल किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्सलीज थ्योरम और इसके कुछ रिजल्ट्स जो हमने यहाँ पे भी निकाले हैं, ठीक है। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे इक्वेशन वन और टू में आगे खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने आगे एक स्पेशल थोड़ा सा आगे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस होके कुछ कॉन्सेप्ट कर लिया और उसमें रिजल्ट निकाल लिया किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का, जो किसके इक्वल आता है, टू इंटू अंडर रूट ऑफ एच इंटू एच डैश के इक्वल आता है। तो क्या आपको ये समझ में आया बच्चा, क्या आपको क्लियर है ये आर्टिकल? जिस जिस बच्चे को क्लियर है प्लीज बताते जाना।